बार बार हो जाता है. एंड ओह वी कैन टॉक अबाउट किडनी फेलियर की बात कर सकते हैं. किडनी लोगों की फेल हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए होता है. तो जनरली वी कैन डू ऑर्गन डोनेशन. किडनी का ही डोनेशन मेन है, बाकी तो और भी होते हैं. वी टच ऑन दैट एज वेल. सो लेट्स टॉक अबाउट किडनी डिजीज एंड देन वी टच ऑन ऑर्गन डोनेशन. बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को. हमारे यहाँ दो लोग हैं एंड टच वुड बाय गॉड ब्लेस. मैं अब ठीक हूं. आपका अपना सबरस रेडियो और प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो इस समय आप सुन रहे हैं. मेरे साथ मैं अंबर और मेरे सामने आज लाइफस्टाइल जो हमारा आवर होता है उसमें हेल्थ मैटर्स में हम बात करेंगे डॉक्टर राजीव वाधवा जी से. और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत करना चाहूंगी अपने स्टूडियोज में. वेलकम टू द स्टूडियोज एंड इट्स लवली टू हैव यू बैक एंड गुड मॉर्निंग भी कह दो. मैं आमतौर पर गुड मॉर्निंग कहना भूल जाया करती हूँ. गुड मॉर्निंग अंबर जी और सभी सुनने वालों को भी गुड मॉर्निंग एंड लवली टू हैव यू बैक. कैसा रहा आपका वीकेंड? बहुत अच्छा अंबर जी. सोचा कि आगे बढ़ने से पहले ये जो रस्मी घिसे पिटे जुमले होते हैं इनको निपटा लिया जाए. घिसे पिटे जुमले होते हैं बट जरूरी भी होते हैं, है कि नहीं? तो उम्मीद करती हूँ आपका, बल्कि आपने बता ही दिया कि वीकेंड अच्छा रहा. दैट्स गुड एंड लवली टू हैव यू बैक. आज मौसम थोड़ा वैसा ही है जैसा यहाँ का मौसम हमेशा होता है जी. तो उस मौसम को बाहर रहने देते हैं, लेकिन घर के अंदर जो लोगों का वो है माहौल मौसम वगैरह उसको तो हम आप अपनी सारी इन बातों से और आपकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे उससे हम पूरी तरह से अच्छा और बेहतर बना लेंगे. उम्मीद तो यही है जी. हाँ, और आपके लिए कुछ सवाल ऑलरेडी आज पहुंचे हुए हैं जी. तो आज हमारे श्रोताओं ने ये काम थोड़ा वो कर दिया हमारे लिए ताकि बाद में मायूसी ना हो किसी को भी. अच्छी बात है, पहले ही सवाल पूछ लेने चाहिए या प्रोग्राम के दौरान भी? प्रोग्राम के दौरान ही बात करते हैं. health@sabrasradio.com पर भी ईमेल वो कर सकते हैं. बिल्कुल. सो अगर आप कोई सवाल इस दौरान करना चाहें ड्यूरिंग द शो देन इट हैज टू बी health@sabrasradio.com या फिर studio@sabrasradio.com. आप ईमेल कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज 60060. तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चुन लीजिएगा, लेकिन फोन के रास्ते में आपके सवालों की तरफ नहीं आ पाऊंगी. और अगर कोई डेडिकेशन है उनको प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम भाग में हम निपटाएंगे. तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कैंसर की जी एंड कैंसर इन जनरल जी. ओके, तो आप प्लीज मुझे सिर्फ अंबर कह दो मुझे बेटर लगता है. ओके, तो कैंसर आखिर है क्या चीज जी? अमर जी, कैंसर ये बगैर जी के बोलना थोड़ा मुश्किल है, पुरानी आदत है ये, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें. चलेगा, ठीक है जी. तो कैंसर एक ऐसा नाम है कि सुनते ही आमतौर पर लोग इससे थोड़ा सा डरने लगते हैं जी. एक बहुत खतरनाक बीमारी इसे माना जाता है और है भी है. लोगों को अक्सर ये लगता है कि कैंसर एक बीमारी है. आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है या कैंसर का कोई इलाज नहीं है या फलानी चीज खाने से कैंसर नहीं होता है या आप ये खाएं या ये करें तो कैंसर हो जाता है. तो पहली बात तो यह है कि कैंसर एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक ग्रुप है, एक तरह की बीमारियां हैं जिनको इकट्ठा हम कैंसर कह देते हैं जी. कैंसर कहाँ होता है, शरीर के किस हिस्से में है, किस तरह की सेल में है, किस ऑर्गन में है, किस पार्ट में है, उसके ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है. और हर कैंसर अपने आप में अलग होता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो कितना बढ़ता है, कितना खतरनाक होता है, जान के ऊपर उसका कितना खतरा होता है, उससे मरीज को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी तकलीफ होती है, वो सब हर कैंसर का अलग अलग होता है. तो हम जनरल ये नहीं कह सकते कि कैंसर हो गया, हमें बताना पड़ता है कि कैंसर कहाँ का है, कौन सा कैंसर है. और कई बार एक ऑर्गन में भी कई तरह की डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट कैंसर्स होते हैं. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लंग का कैंसर है, लंग में ही फेफड़ों में जो कैंसर होते हैं, कुछ ऐसे कैंसर होते हैं कि जिनका आसानी से इलाज हो जाता है, जिनसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. कुछ ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर लें, कितना भी इलाज कर लें, वो काम नहीं करता है जी. और दूसरे ऑर्गन्स में भी होता है. तो एक अंग में भी, एक ऑर्गन में भी कई तरह के कैंसर हो सकते हैं. तो मेरा कहने का मकसद ये था कि कैंसर एक बीमारी नहीं है. कैंसर हो गया कहना यही है कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें बुखार हो गया, तो बुखार होना बीमारी नहीं है, बुखार तो एक सिम्टम है कि किस बीमारी से बुखार हुआ है. ऐसे ही कैंसर भी कोई एक बीमारी नहीं है. तो कैंसर होता क्या है? कैंसर इसको बहुत
सरल उसमें कहा जाए, बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया जाए, तो ये जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें उनकी एक बीमारी है। तो सेल्स क्या होती हैं? हमारा पूरा शरीर जो है छोटी 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 सेल्स से बना है, कोशिकाओं से, उसे हम सेल कहते हैं, जो यूनिट होती है। जैसे किसी मकान को बनाने में ईंटें लगती हैं, तो आप ईंटें एक के बाद एक जोड़ते जाते हैं और पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो इंडिविजुअल एक यूनिट है वो सेल है। तो कई तरह की सेल्स मिलकर डिफरेंट शरीर के हिस्से बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, और फिर वो आपस में मिलकर पूरे शरीर का काम चलता है। तो हमारे शरीर में जाहिर है कि डिफरेंट हिस्सों को, डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट काम करना है अलग अलग, तो कई तरह की डिफरेंट सेल्स होती हैं। और इसीलिए चूंकि सेल्स अलग अलग होती हैं, और उनसे सेल्स में जब बीमारी होती है, कैंसर होता है, तो वो कैंसर भी फिर अलग अलग तरह का होता है। तो कॉमन क्या है कैंसर में? कॉमन ये होता है कि कैंसर में जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल होती हैं। तो हमारी बॉडी में पूरा दिन, पूरी लाइफ सेल्स कई हिस्सों में लगातार नई सेल्स, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी हटती रहती हैं, ये पूरा शरीर का हिस्सा, अंग अपने आप चलते रहते हैं इससे। तो लेकिन इसमें यह है कि जैसे एक फैक्ट्री लगी हुई है हर ऑर्गन में सेल्स प्रोड्यूस करने की, हमारी स्किन है कॉन्स्टेंटली नई सेल्स बन रही हैं और पुरानी ऊपर से झड़ती जाती हैं। तो लेकिन इसमें शरीर जो है, बॉडी जो है, उसके ऊपर कंट्रोल रखती है कि कितनी बननी है, कितनी डिस्ट्रॉय होनी है। वो एक बहुत वेल रिफाइंड, वेल कंट्रोल्ड पूरा एक सिस्टम होता है। तो जितनी कोशिकाएं नई बननी है उतनी नई बनती हैं उम्र के हिसाब से, जितनी मरनी है और हट जानी है, डिस्ट्रॉय होनी है, वो बन जाती हैं, और ये कंट्रोल रहता है। कैंसर में क्या होता है कि वो कंट्रोल मैकेनिज्म किसी वजह से काम नहीं करता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो ये जो सेल्स हैं उनका जो डिविजन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वो खूब ज्यादा बढ़ती हैं और अपने आप में अब नॉर्मल होती हैं, तो वो नॉर्मल सेल नहीं होती हैं, वो कुछ कुछ अलग तरह की सेल होती हैं। तो कैंसर जैसा कि मैंने बताया ये एक नहीं होते, तो कुछ कैंसर हैं जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से शरीर के दूसरों हिस्सों में भी फैल जाते हैं, कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं, कई सालों में, दसों सालों में आगे जाकर धीरे धीरे बढ़ते हैं, और हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा दूसरे हिस्सों में ना फैलें। कुछ का ट्रीटमेंट आ गया है, बहुत आसान है, कुछ ऐसे भी कैंसर हैं जिन्हें आप 100% हम क्योर कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, खासतौर पर अगर जल्दी पता लग जाए तो। और कुछ हैं कि उनका अभी तक इलाज नहीं है। कुछ दूसरे हैं जो ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, तो चाहे वो कीमोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी यानी कि दवाइयाँ जो हम देते हैं, गोलियाँ हों या इंजेक्शन हों या पीने की दवाइयाँ हों, तो या रेडियोथेरेपी यानी जिनके ऊपर एक्सरेज या डिफरेंट तरह की रेज छोड़ी जाती हैं, या ऑपरेशन है, तो जो भी उनके इलाज हैं, कुछ कैंसर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, और कुछ बिल्कुल नहीं करते। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं कि जिनका आउटलुक, उनकी प्रोग्नोसिस बढ़िया होती है कि अगले 5-10 साल में क्या होने वाला है। तो कुछ कैंसर होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे मैनेज करेंगे। कुछ होते हैं कि वो इतने खतरनाक हैं कि हो गए तो बस अब कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही महीनों की बात है, तो उनका आउटलुक, उनकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जो एक काम बहुत कॉमन एक हम लोगों में भ्रांति है कि कैंसर कोई एक बीमारी है, और उससे फिर बातें निकलती हैं कि हम फॉर एग्जांपल कुछ खा लें, हल्दी खा लें मान लीजिए, या अदरक खा लें, वट एवर, तो उससे कैंसर नहीं होगा, या कैंसर हो गया है तो आप ये मत खाइए। तो ये उतनी साइंटिफिक बात नहीं है, क्योंकि कैंसर अपने आप में एक बीमारी नहीं है, अलग अलग बीमारी है। तो हो सकता है कि हल्दी किसी एक कैंसर में काम कर रही हो मान लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर तरह का कैंसर अब खत्म कर देगी। तो ये कैंसर के बारे में, और सेल्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, तो होता क्या है कैंसर में कि आपकी बॉडी में, जैसे अगर बहुत बड़ी हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत ह्यूज, और मान के चलें कि शरीर में करोड़ों अरबों तक सेल्स होती हैं, टेंस ऑफ मिलियन, समटाइम्स बिलियंस ऑफ सेल्स, और हर रोज वो डिस्ट्रॉय होती हैं कई उनमें से, और हर रोज बनती हैं। हमारे सिर्फ खून में, सिर्फ ब्लड में, ब्लड का जो सिस्टम है उसमें हर रोज मिलियंस ऑफ सेल्स, तो कई 10 लाख, कई करोड़ के आसपास सेल्स रोज बनती हैं और उतनी ही रोज डिस्ट्रॉय होती हैं। तो होता क्या है, जब इतनी तेजी से प्रोडक्शन चल रहा है, तो हो सकता है कि इस बिल्डिंग में जैसे ईंटें लग रही हैं, तो एक ईंट कोई गलत लग जाए या उसकी क्वालिटी ठीक ना हो,
और होता यह है कि एक कोई सेल मान लीजिए तेज प्रोडक्शन में उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, जिसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं या वो डैमेज होती है, तो वो सेल ठीक नहीं है, उसने ठीक से काम नहीं करना है, उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो वो आगे जब वो अपनी दूसरी सेल बनाएगी, आगे वो डिवाइड करेगी, तो वो भी हो सकता है कि फिर अब नॉर्मल हो, और इस तरह से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से अब नॉर्मल सेल्स बढ़ती जाती हैं और वो आपस में मिलकर फिर एक कैंसर बना लेती है। ओके, चलिए फिर ये बातचीत का जो सिलसिला है इसको हम जारी रखते हैं, सवाल जवाब ये अभी चलते रहेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, आई होप कि वक्त रहते इनका जवाब जो है मिल सके। और इससे पहले कि ये बातचीत जारी रहे, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और अपने श्रोताओं को याद दिला दें, अगर बातचीत के दौरान कोई प्रश्न है जो आप करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, आज का विषय है कैंसर, तो आप उनको या तो studio@sabrasradio.com पर मेल कर सकते हैं या फिर health@sabrasradio.com and the other option is 60060 for your text messages. All you have to do is simply type in Sabras followed by your name and the question. कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही मैसेज में आ जाएगा, वरना दो मैसेजेस के लिए डिवाइड होकर आधा ही सवाल पहुंच पाएगा, या फिर दोनों मैसेज अगर पहुंचेंगे आगे पीछे, वेल दैट डिपेंड्स। एनीवे, लौट कर आते हैं हम कुछ ही पल में, आप आसपास ही बने रहिएगा, शुक्रिया। ठीक है जी, ये लैंप आपके लिए ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हिल रहा था, आप कहीं तो उस साइड की लाइट ऑन कर दो। कई बार किसी से पूछो कि किस चीज का कैंसर है तो करेक्ट जवाब देते हैं, कैंसर नहीं पता, कैंसर है। सामान रखा है, जाओ और किसी भी लॉकर कंपनी में रख के आओ। किसी भी? भगवान, सब लॉकर कंपनी सेम नहीं है। क्या मतलब? ये सिक्योरिटी का सवाल है, पूरे मिडलैंड्स में किसके पास ग्रेट 10 ड्रिल प्रूफ और बम प्रूफ स्ट्रॉन्ग रूम है, किसके पास ऑन साइट सिक्योरिटी गार्ड है, और किसके लॉकर फिंगरप्रिंट के साथ लिंक है, तो ये सब कहां मिलेगा? एक ही नाम, सिक्योर डिपॉजिट्स लिमिटेड, बेलग्रेव रोड पे, सारी मंदिर वालों की लॉकर कंपनी SDL। और इंश्योरेंस? हे भगवान, 125,000 पाउंड्स तक का इंश्योरेंस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, 300 मिलीमीटर बॉक्स पे। अभी चलो SDL 129 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, LE46AS 01162169689 securedepositslimited.co.uk exclusions apply. The Trendsetters, this is 1260 AM. चलिए लौट कर आते हैं हम इस तरफ, और डॉक्टर साहब से हम कुछ सवाल कर रहे हैं, और आज का जो विषय है कैंसर, कैंसर इन जनरल, कि कितने तरह के कैंसर वगैरह होते हैं, वो सब भी बातें हो रही हैं। और आमतौर पर एक धारणा है कि जब किसी से पूछा जाए कि क्या हुआ और जवाब ये मिलता है कि कैंसर, तो उनसे जब पूछा जाता है कि किस चीज का कैंसर, तो वो इस तरह देखते हैं कि पता नहीं कौन सा हमने बड़ा ही अजीब सा प्रश्न कर लिया है, आगे से जवाब मिलता कैंसर है, भाई तुम्हें कैंसर नहीं पता क्या होता है? तो ये चीज जो होती है जब पूछा जाए कि किस चीज का कैंसर है, तो वो हमें वाकई ऐसे देखते हैं कि हमने पता नहीं क्या उनसे पूछ लिया। और अब आते हैं इस तरफ, और डॉक्टर साहब इसीलिए जो आज आप अलग अलग कैंसर्स के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि कैंसर का मतलब ये नहीं कि वो एक ही कोई चीज है। और दूसरा ये कि कैंसर के अलावा ट्यूमर शब्द का भी इस्तेमाल बहुत होता है, तो ट्यूमर और कैंसर में आखिर फर्क क्या है? जी, ये बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा अंबर जी, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। ट्यूमर और कैंसर दो अलग चीजें हैं, तो कोई ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है, हर कैंसर एक ट्यूमर हो सकता है, लेकिन ये म्यूचुअली नहीं है, तो हो सकता है कोई ट्यूमर हो लेकिन वो कैंसर ना हो। तो जैसा कि मैंने बताया, कई बार शरीर में क्या होता है, रोजाना
हर समय हर पल इतनी लाखों करोड़ों सेल्स बन रही हैं और डिस्ट्रॉय हो रही हैं, नई बनती जा रही हैं, पुरानी मिटती जा रही हैं, तो उसमें कई बार कुछ सेल्स गलत बन जाती हैं उस प्रोडक्शन सिस्टम में. और वो फिर जब गलत बनती है तो वो जब अपने आप में डिवाइड होती है और आगे नई सेल्स अपने जैसे बच्चों को एक तरह से जन्म देती है तो वो भी सही नहीं होते, उनमें भी प्रॉब्लम होती है. तो इस तरह से जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो सही सेल्स नहीं हैं, ये एक दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, इस तरह से लगातार बढ़ती जाती हैं. और फिर ये अपने आप में एक सेल्स का पूरा एक क्लंप या एक ग्रुप बन जाता है. धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है और कहीं इसको जो ये ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल होता है इसे हम लोग एक ट्यूमर कह सकते हैं. तो ट्यूमर क्या है? कोई लंप है या ग्रोथ है टिश्यू की जो कि एबनॉर्मल सेल्स से बनी है. अब ये ट्यूमर जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट. तो बेनाइन शब्द का मतलब होता है कि वो ज्यादा शरीफ है, एक तरह से वो ज्यादा परेशान नहीं करती है. बेनाइन का मतलब ये है कि वो जो ट्यूमर होता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और खास तौर पर उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो फैलता नहीं है, तो वो शरीर के दूसरे हिस्से में जाएगा नहीं, वहीं वो जहां पर है वहीं पर रहेगा. तो ये कैंसर नहीं होता है. कैंसर की पहचान ही यही होती है कि वो बढ़ता जाता है और फैलता है. तो ये बढ़ता कैसे है? बढ़ते क्योंकि सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. आमतौर पर बॉडी में हमारी कंट्रोल है, तो जब हम बचपन से अपनी उम्र के पड़ाव पर आ जाते हैं कि अब शरीर और नहीं बढ़ना है तो कंट्रोल है. ये नहीं है कि बच्चे का जैसे शरीर बढ़ रहा है तो हमारा 16, 17, 18 जो भी उम्र है उसके बाद शरीर बढ़ना नहीं है. ये नहीं कि हम बढ़ते ही जाएंगे, पूरी उम्र लंबे होते जाएंगे. तो ये कंट्रोल सिस्टम होता है कि वो और बढ़ने से उसको रोकता है. तो लेकिन जब ये सेल्स में कोई म्यूटेशन हो जाता है या उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कंट्रोल नहीं रह जाता है, तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसमें. और उस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से वो जो एबनॉर्मल सेल्स हैं एक पूरा ग्रुप या क्लंप बना लेती हैं, उसे फिर हम ट्यूमर कहते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया, ट्यूमर में या तो बेनाइन ट्यूमर हो सकता है जिसे हम नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है. ये यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, यूजुअली कभी कभी हो सकता है. और ये सिर्फ तब जब वो साइज में इतना बढ़ जाए कि आसपास वो प्रेशर डालने लगे, तो वो जिस जगह है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो अगर वो आपकी मान लीजिए बाजू पर, आर्म पर बन गया है, तो वो काफी 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच भी बढ़ सकता है. और चूंकि वो उतना दबाव नहीं डाल रहा है और बोन के ऊपर बहुत दबाव नहीं डाल रहा है, जो ब्लड वेसल्स हैं या नर्व्स हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है, तो वो उसे आप चाहे तो छोड़ सकते हैं. देखने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन उससे हमारी जान पर कोई खतरा नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यही ट्यूमर अगर ब्रेन के अंदर है तो वहां तो ज्यादा फैलने की जगह नहीं है. तो अगर वो 1 सेंटीमीटर का भी होगा तो आसपास की जगहों पर दबाव डाल सकता है, और तब जहां दबाव डाल रहा है वहां क्या काम चल रहा है उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन ये कैंसर नहीं है, ये तब भी ट्यूमर है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो कुछ ऐसी सेल्स से बनी हैं जो कोई केमिकल या कोई हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं. तो हार्मोन मैंने पहले भी जिक्र किया है, केमिकल्स हैं जो बॉडी में, शरीर में कई हिस्सों से निकलते हैं और वो अच्छे होते हैं शरीर के लिए, कंट्रोल करते हैं बॉडी फंक्शंस को. लेकिन अगर वो इन सेल्स से बढ़ रहे हैं और सेल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो वो हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाएगा शरीर में, तो उस केमिकल से हमें नुकसान हो सकता है. तो ये जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं, या तो प्रेशर की वजह से जहां पर वो हैं या दबाव डालकर या कोई केमिकल सिक्रीट करके हमें नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये परेशान नहीं करते हैं, बस है वहां पर. तो जहां पर हैं कई बार उन्हें छोड़ दिया जाता है, किसे आप टच नहीं करें, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए. और अगर लगता है कि नहीं, या तो देखने में बहुत खराब लग रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट कर रहे हैं, तब इन्हें निकालना जरूरी होता है ऑपरेशन करके. लेकिन ये जान का खतरा नहीं होता है आमतौर पर. जो मैलिग्नेंट ट्यूमर दूसरे होते हैं जिन्हें हम कैंसर वाला ट्यूमर कहते हैं, ये वो जो ग्रोथ है ये उन सेल्स की है जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं. और इनकी आदत होती है कि ये जहां पर हैं उनको उसी में तसल्ली नहीं होती है, उनकी उनको और आगे बढ़ना होता है, तो वो आसपास के शरीर के हिस्सों में बढ़ने लगती हैं, या इनके हिस्से टूट टूट कर ब्लड के जरिए या लिम्फ के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में जाकर वहां पर ये बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अब ट्यूमर फैल गया है या कैंसर स्प्रेड हो गया है. हम लोग शब्द यूज करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर है कि ये दूसरी जगह जा चुका है, या हम कहते हैं मेटास्टेसिस है. तो ट्यूमर एक जगह है और उसकी मेटास्टेसिस, उसकी ग्रोथ शरीर के दूसरे हिस्से में जा चुकी है, उसे हम सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं.
तो ये जिस हिस्से में जाते हैं वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। तो हमने सुना होगा कि कैंसर तो लंग में था, अब वो लीवर तक फैल गया है, तो लीवर में उसके मेटास्टेसिस हो गए हैं, या और शरीर के दूसरे हिस्से में, ब्रेन में चला गया है, ब्रेन में भी जा सकता है। तो ये फर्क होता है कैंसर में और ट्यूमर में। तो कैंसर ट्यूमर हो सकता है, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। दूसरे, हर कैंसर के जो सेल होते हैं वो सॉलिड ट्यूमर ही नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई ग्रोथ बना दिए जिसे आप देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं या लिम्फ सेल्स हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो सॉलिड नहीं है, वो शरीर में फैले हुए हैं, लेकिन ब्लड कैंसर हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई ट्यूमर उसने बना लिया, वहां पर ट्यूमर का इस्तेमाल ही नहीं होगा क्योंकि ट्यूमर है ही नहीं कोई। जी, तो ये फर्क है कैंसर में और ट्यूमर के शब्दों में। तो ये फैलता कैसे है, जैसे मैंने बताया ये ब्लड के जरिए फैल सकता है। ये सेल्स टूटकर ब्लड में जा सकती हैं और ब्लड से शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचकर वो वहां इकट्ठा हो जाता है और वहां पर ग्रो करना शुरू कर देता है। हमारे शरीर में लिम्फ चैनल्स होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, उसके जरिए फैल सकता है। ये अपने आप ही जिस जगह पर है वहीं से डायरेक्ट इतना बढ़ के ग्रो करके फैलता फैलता दूसरे हिस्से में भी जा सकता है। जी, तो ये कैंसर की बात है। कैंसर जैसा कि मैंने बताया एक बीमारी नहीं है, ये अलग अलग बीमारियां हैं और देर आर अराउंड 100 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैंसर, 100 के करीब डिफरेंट कैंसर्स होते हैं। और उसको हम डिवाइड करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, शरीर के किस हिस्से से या किस सेल से आए हैं। उसको हम लोगों ने आमतौर पर ब्रॉडली तीन उसमें बांट दिया है, तीन हिस्सों में, तीन तरह के कैंसर। इसको हम कहते हैं कार्सिनोमा, सार्कोमा या ल्यूकीमियास एंड लिम्फोमास। तो कार्सिनोमा वो होते हैं जो बॉडी की सरफेस की लाइनिंग जो होती है, चाहे बाहर की हो या अंदर की। तो बाहर की लाइनिंग तो स्किन हो गई, स्किन है, या अंदर की लाइनिंग है जैसे कि हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग है, या हमारे अंदर पेट की लाइनिंग है, इंटेस्टाइन्स में। तो ये जो लाइनिंग के जो कैंसर होते हैं इनको हम कार्सिनोमा कहते हैं। दूसरे होते हैं सार्कोमा, जो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बोन या हड्डियां जो हैं या मसल्स हैं उससे जो कैंसर बनते हैं उन्हें हम सार्कोमा कहते हैं। और तीसरे ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, जैसा कि मैंने बताया जो ब्लड सेल का कैंसर जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं वो ल्यूकीमिया होता है, या लिम्फ सेल्स का कैंसर है उसे हम लिम्फोमा कहते हैं। तो 100 के करीब कैंसर डिफरेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन से या डिफरेंट टाइप के सेल से। हमारे देश में यूके में 5 बहुत कॉमन है, जो सबसे 5 कॉमन है वो है लेडीज में ब्रेस्ट का कैंसर। ऑल्दो ब्रेस्ट कैंसर आदमियों को भी हो सकता है क्योंकि टिश्यू सेम होता है कई बार। तो ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, आदमियों में प्रोस्टेट का कैंसर, या बाउल कैंसर इंटेस्टाइन का, या स्किन कैंसर। तो ये 5 जो है सबसे कॉमन है और ये अलग अलग बीमारियां हैं, ये अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं, अलग तरह से इनका इलाज होता है, किसी का इलाज है किसी का नहीं है। जी। तो इनकी डिटेल में एक एक की बात आगे आने वाले महीनों में हम लोग एक एक करके इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है। एक शब्द और आता है जिसे हम लोग कई बार यूज करते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू। तो ये कई बार लोगों को बताया जाता है कि आपको कार्सिनोमा इन सीटू है। ये कार्सिनोमा इन सीटू क्या है कि ये आपके एबनॉर्मल सेल बढ़ गए हैं, बन गए हैं आपके किसी शरीर के हिस्से में, लेकिन वो जहां पर हैं वहीं पर मौजूद हैं और फिर वो उसी हालत में वहीं पर रुके हुए हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही है, वो कहीं फैल नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसी हालत में कोई कैंसर पकड़ में आ जाता है जिसे हम कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इलाज है कि उस हिस्से को पूरा निकाल दें क्योंकि वो कहीं फैला नहीं है। तो हो सकता है कि हम 100% क्योर वो फिर दोबारा कभी ना हो, तो वो कार्सिनोमा इन सीटू उसे हम कहते हैं। जी, और इससे पहले कि और हम बातचीत जो है उसको जारी रखें, दो छोटे छोटे सवाल जो हैं इनको हम जल्दी से जो है ब्रेक से पहले पहले, क्योंकि अभी 2 मिनट हैं ब्रेक के लिए। जी। तो एक तो मगन भाई ने पूछा है और दूसरा जो है वेद प्रकाश जी पूछ रहे हैं। जी। मगन भाई का सवाल ये है कि इज देयर एनी सिम्टम्स व्हेन इट स्टार्ट्स, कि कैंसर के शुरू होते ही क्या कोई सिम्टम ऐसे हैं कि उसको एडवांस में ही पकड़ा जा सके। जी। और वेद प्रकाश जी का सवाल ये है कि मुझे टिपिकल एक पति वाला सवाल लगा कि क्या कोई खाने ऐसे होते हैं जो कैंसर के दौरान नहीं खाए जा सकते, कि अगर पता चले कि आपको कैंसर है, क्योंकि कहते हैं बीवी बहुत टोकती है और चटपटा खाना वगैरह नहीं खाने देती, मसाले वाले खाने बिल्कुल नहीं खाने देती। जी, दोनों का जवाब मिलता जुलता ही है अंबर जी, कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, कैंसर
शरीर के किस हिस्से में है और उस हिस्से में भी हो सकता है कई तरह के कैंसर होते हो, तो कौन सा कैंसर है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाने की बहुत सी चीजें होती हैं, मैं अभी थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगा उनको कि ऐसी चीजें डाइट से हो सकता है कि आपको कैंसर होने का खतरा ज्यादा हो। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये आप ना खाएं तो आपको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। तो जैसे कि लंग का कैंसर है, तो वो लंग का कैंसर मैं और थोड़ी सी बात आगे करूंगा, लेकिन आमतौर पर अधिकतर ये होता है सिगरेट पीने से। तो आप सिगरेट पीते हैं, तो अगर वो आप सिगरेट पीते हैं तो आप क्या खाते हैं क्या नहीं, लंग कैंसर होगा या नहीं, उसके ऊपर उतना ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से अगर किसी को कैंसर अब एक बार हो गया है तो वो क्या खाएं और ना खाएं, ये भी इसके ऊपर है कि वो कैंसर शरीर में कहाँ है, किस हद तक बढ़ चुका है, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसी कोई एक चीज नहीं है कि आपको अब एक कैंसर हो गया है तो आप ये नहीं खा सकते हैं, ऐसा ऐसा कोई स्ट्रेट रूल नहीं है। मेरे ख्याल से शायद उनका इशारा उसी तरफ है और हो सकता है कि ये बातचीत सुनने के बाद अब वो थोड़े से खुश हो गए हों कि अपनी मन पसंद चीजें वो खा सकेंगे। डिपेंड करता है वो क्या है और उन्हें क्या प्रॉब्लम है। जी तो क्योंकि बीवी जाहिर बात है वो ख्याल तो रखेगी ना, अगर वो नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और मगन भाई आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और बाकी जो सवाल जवाब है ये सिलसिला जारी रहेगा, मगर पहले घड़ी की सुइयां हमसे कुछ कहती हैं, वो इशारा समझा जाए। लास्ट वन इज व्हाट कॉजेस कैंसर, उसी में बचाव आ जाएगा जैसे जैसे आएगा कि कौन सा है तो मैं बताता जाऊंगा, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। और एक सवाल और यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ, गले का कैंसर जो होता है, थ्रोट कैंसर, जी, तो उसके कोई सिम्टम्स होते हैं? जी, क्योंकि ये भी मैं पूछना चाहती हूँ। जी जरूर बता दूंगा। गला और मुंह ये दो कैंसर मुझे ज्यादा घातक लगते हैं। पान गुटखा इन सारी चीजों से होता है मेनली, तंबाकू खाते हैं बहुत लोग। अरे वो पान का क्या है, क्योंकि जर्दा पान क्या उसको बोलते हैं, जर्दा तो तंबाकू होता है। हाँ तंबाकू, या शौक भी क्या अजीब चीज है, कैसे कैसे शौक होते हैं लोगों के। पान तो खैर मैं भी खाता हूँ कभी कभी, बट कभी कभी अलग चीज है। चलिए अब लौट कर आते हैं हम इस तरफ प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो, मैं अंपायर और मेरे सामने हैं डॉक्टर राजीव वाधवा जी। आप लोगों के फेवरेट डॉक्टर बन चुके हैं मुझे लगता है जिस तरह से आप लोगों के सवाल जवाब पहुंचा करते हैं। और एक प्रश्न यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं भी आपसे करना चाहती हूँ, गले का कैंसर और मुंह का कैंसर ये दो चीजें जो है, कुछ इंसान के शौक ऐसे होते हैं, कुछ उसकी आदतें ऐसी होती हैं जिसके चलते मुंह का कैंसर भी हो जाता है जी। लेकिन गले का कैंसर जो है ये किन कारणों से होता है और इसके क्या कोई सिम्टम्स होते हैं पकड़ने के? जी, गले का कैंसर भी काफी होता है जी। और गले का कैंसर के लिए खासतौर पर सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर आपको गला, जिसे हम कहते हैं गला खराब है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, आवाज बैठी हुई है, या गले के अंदर कॉन्स्टेंटली आपको पेन हो रहा है या खराश हो रही है, ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि कोल्ड और फ्लू टाइप की इलनेस, सोर थ्रोट, ये कॉमन बीमारियां हैं, हर किसी को साल में किसी किसी को एक बार दो बार जरूर हो जाती हैं। तो मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपको जरा सा गला खराब हुआ है या आपकी आज आवाज बैठ गई है, आपको जुकाम लग गया है तो आप सोचें कि कैंसर हो गया है।
तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा आपकी आवाज, 6 हफ्ते आमतौर पर आवाज बैठी हुई है, या आपका गला लगातार खराब है, उसमें दर्द हो रहा है, खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, पानी पीने में प्रॉब्लम, अपना थूक खुद निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर ये 1-2 हफ्ते है तो ये कोल्ड फ्लू होगा, उसका नॉर्मल इलाज करें. 2-3 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं कि क्या प्रॉब्लम है. लेकिन अगर ये 6 हफ्ते के आसपास पहुंच गया है सिम्टम आपका, ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को फिर अर्जेंटली, फिर वेट नहीं करें कि अब मैं 2-3 हफ्ते और देख लूं, तो आप डॉक्टर को अर्जेंट दिखाएं, उन्हें बताएं कि ये 6 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं. तो कुछ जरूरी नहीं है कि 6 हफ्ते हो गया तो अब इसका मतलब 100% कैंसर हो गया है, लेकिन हो सकता है कि वो कैंसर बन रहा हो. तो अगर आप ऐसी सिम्टम्स लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको अर्जेंट हॉस्पिटल में रेफर करेंगे. वो रेफरल नहीं है कि 3-4-5 महीने बाद अपॉइंटमेंट आएगा, वो फॉरन विदिन 2 वीक्स आपको हॉस्पिटल में देखा जाएगा. आपके गले का चेकअप होगा, अंदर हो सकता है कैमरा डालें, देखें कि नीचे तक क्या है, और अगर कोई कैंसर है तो फिर उसको देखा जाएगा, उसको उसका इलाज किया जाएगा. लेकिन आमतौर पर यही होता है कि लगता है कि नहीं, कुछ इन्फेक्शन ही था, ऐसी कोई खास बात नहीं है. लेकिन ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि आप उसमें टाइम, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अच्छा चलो 2 महीने और देख लेते हैं फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप उसमें वेट नहीं करें. जी जी. और जो मुंह का कैंसर होता है वो भी यही सेम चीज सिमिलर. मुंह में अगर ये है कि आपको कोई अल्सर हो गया है, तो मुंह में अल्सर होना भी बहुत कॉमन है, लोगों को अक्सर हो जाते हैं, खासतौर पे खांसी जुकाम हो या तबीयत खराब हो तो हो जाते हैं. तो अगर वो कुछ दिन है तो ठीक है, अगर 1-2-3 वीक तक नहीं ठीक हो रहा है तो आमतौर पर तो पहले आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, ना कि डॉक्टर को, क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम से कई बार अल्सर हो जाते हैं. उसमें भी यही है कि कोई अल्सर अगर 6 हफ्ते तक पहुंच गया है और वो वही अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, तो जरूर आप फिर उसको अर्जेंटली दिखाएं. ओके. एंड कारण, इसका कोई पर्टिकुलर कारण है या कैंसर्स के अलग अलग कारण है? मुंह के जो गले और मुंह के कैंसर्स के लिए एक तो स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है उसके लिए. तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको ज्यादा हो सकता है. तो हम लोग हर प्रोग्राम में बात करते हैं कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो अच्छा नहीं है. आप अपने केमिस्ट से या अपनी जीपी सर्जरी से स्टॉप स्मोकिंग सर्विस का नंबर लें और उन्हें फोन करें. फ्री एनएचएस सर्विस है, आपको काउंसलिंग मिलेगी. आपको अगर दवाइयां चाहिए, निकोटीन के पैचेस या दवाइयां और दूसरी टैबलेट्स भी होती हैं, तो वो सब आपको एनएचएस पर मिलेगा. तो वो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए. दूसरा, जो लोग बहुत ज्यादा पान या पान मसाला, तंबाकू, सुपारी, मावा खाते हैं, तो उनको भी चूंकि मुंह में लगातार जहां पर डैमेज हो रही है तो इसके इसका रिस्क बढ़ जाता है. तो कोई कभी पान खाता है, आप कभी गए किसी की पार्टी में या आपने कभी खाने के बाद एक मीठा पान खा लिया, वो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने एक पान खा लिया और कैंसर हो जाएगा. जो लोग सारा दिन मुंह में रखते हैं और लगातार चबाते रहते हैं, तो उससे रिस्क बढ़ जाता है. तो कैंसर के होने की बात जो है अमरदीप, तो हम लोग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि हर कैंसर का हमें पता ही है, आज की जो साइंस है हमारी, कि ये कैंसर इस वजह से होता है, ये कैंसर इस वजह से होता है. बहुत से कैंसर्स का हमको पता नहीं है कि वो क्यों हो जाते हैं. लेकिन काफी रिसर्च है और बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सी चीजें हैं जिन्हें अगर हम ना करें तो हमें कैंसर का रिस्क कम हो सकता है. ऐसा नहीं है कि अगर आप सिगरेट नहीं पियेंगे तो आपको लंग कैंसर नहीं होगा. लेकिन अधिकतर लंग कैंसर सिगरेट पीने वालों को होते हैं, ना पीने वालों को नहीं होते हैं. तो बगैर सिगरेट पिए लंग कैंसर होता है, लेकिन बहुत कम. जी, तो जो ये चीजें कैंसर बनाती हैं उन्हें हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं. कार्सिन माने कैंसर, कार्सिन मैंने बताया कार्सिनोमा, और जेन माने उसका प्रोडक्शन, उसकी जेनेसिस. तो जो चीज कैंसर कर सकती है, जो कैंसर का बढ़ावा दे सकती है, उसे हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं. तो ग्रुप जो है, क्या चीजें जो है कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती हैं या कैंसर बना सकती हैं, तो उसमें कुछ तो केमिकल्स हैं, केमिकल कार्सिनोजन कहते हैं. तो उनमें सबसे बड़ा तो एक तंबाकू है. तो उसमें तंबाकू में, सिगरेट में, या अगर आप वैसे भी तंबाकू खाते हैं, तो जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो लंग का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ईसोफेगस जो खाने की नली है गलत, उसका कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का, पेशाब की थैली का कैंसर, और पैनक्रियास का कैंसर, इनके रिस्क काफी बढ़ जाते हैं. ये माना जाता है कि जितने भी कैंसर हो रहे हैं पूरी दुनिया में, 25% हर 4 में से 1 कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो रहा है. तो अगर आज दुनिया में लाखों करोड़ों कैंसर हर साल हो रहे हैं, अगर हम आज सिर्फ स्मोकिंग किसी तरह से हटा दें कि सिगरेट पीना बंद है, अब नहीं कोई पिएगा, तो 25% कैंसर तो अपने आप माना जाता है कि खत्म हो जाएंगे, जो कि आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है. हर
स्मोकर्स में से 10% को कैंसर होने का खतरा होता है और उनकी मौत होती है लंग कैंसर की वजह से। तो अगर 10 लोग सिगरेट पी रहे हैं एक ग्रुप में, पब में, अंदर तो नहीं है आजकल, लेकिन मान लीजिए किसी फ्रेंड सर्कल में 10 लोग से बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, तो मान के चलिए कि उनमें से एक की मौत लंग कैंसर से होने वाली है आने वाले सालों में, इतना कॉमन है। आप छोड़ दें अगर सिगरेट पीना, तो जैसा कि हमने पहले बात की है, आपका रिस्क अगर बहुत सालों से आपने पिया है तो खत्म तो नहीं होने वाला है, लेकिन कम हो जाता है। कई जगहों पर, काम की जगहों पर ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे पहले एस्बेस्टोस होता था, कई तरह के केमिकल्स होते हैं, बेंजीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो वो कुछ खास प्रोफेशंस में जहां पर आप इन केमिकल्स को डील करते हैं, वो आजकल हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत है, तो जिनका पहले रिस्क था, अब जहां पर आप काम करते हैं तो उम्मीद बहुत कम है कि इन रिस्क से आपको कैंसर होने वाला है, क्योंकि उसके प्रिकॉशन ऑलरेडी जहां पर ये केमिकल्स यूज हो रहे हैं वहां लिए जाते हैं। तो यहां अगर ये हम कह दें कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं जी, उनके लिए ये चीज ज्यादा वो हो सकती है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सफाई कर्मचारी के लिए कोई फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजीन या एस्बेस्टोस का इस्तेमाल तो वो नहीं कर रहे हैं। जितने भी केमिकल्स आजकल हम लोग यूज करते हैं, खासतौर पर काम की जगहों पर, तो एक एक केमिकल की पूरी एनालिसिस की जाती है, उसमें क्या क्या है, हर काम की जगह पर, आपके यहाँ भी और मेरी सर्जरी में भी पूरी लिस्ट होती है कि हम जितने क्लीनर की क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं सफाई वाले, सब में क्या क्या है, और जिनमें बिल्कुल ओपन कि इसको छूने से आगे सालों में कैंसर होने वाला है, तो वो पहली बात तो मार्केट ही नहीं होगा, खासतौर पर यूके में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा हैं कि वो ऐसी चीज अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो खुले बाजार। कुछ कंट्रीज में है, हो सकता है इतना कंट्रोल ना हो, लेकिन फिर भी केमिकल, जो लोग केमिकल के टच में आते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हें देखना चाहिए कि उसमें क्या, तो उन्हें थोड़ा एहतियात बरत लेनी चाहिए। यहाँ तो खैर सुरक्षा व्यवस्था बहुत वो रहती है, लेकिन जहाँ पर थोड़ी कम है वहाँ अगर लोग खुद एहतियात, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये केमिकल हो गए। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है एज, उम्र आपकी। तो हालांकि कुछ कैंसर बच्चों में भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ओल्डर आप होते जाते हैं, आपको कैंसर होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसकी कुछ वजह हैं, एक तो ये कि आपकी सेल्स को मैंने बताया कि कोई डैमेज होती है तो उसकी वजह से कैंसर पड़ते हैं, तो वो डैमेज उम्र के साथ साथ जाहिर है कि बढ़ती जाएगी। दूसरे, उम्र के साथ आपका जब ओल्ड एज आनी शुरू होती है, तो आपकी बॉडी के जो रेजिस्टेंस पावर है, उसकी इम्यूनिटी है, उसका डिफेंस सिस्टम है, उस आपकी जो बॉडी की एबिलिटी है कि अगर कोई सेल डैमेज हो गई है तो उसकी रिपेयर कर दें या उसको वहीं खत्म करके उसको कंट्रोल करके रोक दें, ये सिस्टम्स आपके कम होने लगते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से उम्र के साथ ज्यादा कैंसर होते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल। तो डाइट और लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में स्मोकिंग आ गई, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी। आप खाना क्या खाते हैं, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, तो इन सब चीजों से कैंसर के रिस्क कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो खाने में कहा जाता है कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाने चाहिए, उससे रिस्क कम होता है। तो कहा जाता है कि आपने सुना ही होगा 5 a day, 5 पोर्शन फल या सब्जी के हर रोज खाने चाहिए, अब तो 7 a day की बात होने लगी है। अगर आप बहुत ज्यादा फैटी तला हुआ खाना खाते हैं तो उससे भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मैंने बताया था कि ओबेसिटी में भी कैंसर हो जा सकता है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, या आप रेड मीट बहुत ज्यादा खाते हैं हर समय नॉन वेजिटेरियन फूड में, तो उससे भी कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो कुछ स्टडीज हैं, मैं बहुत कुछ लिए आपको बताता हूँ। एक रिव्यू है, उसमें ये कहा गया है कि यूके में जो 40% कैंसर है, हर 10 में से 4 कैंसर वो लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से है, और अगर हम उन्हें कंट्रोल करें तो उन्हें रोका जा सकता है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज, वेट, डाइट, तो इनको अगर हम कंट्रोल करें तो 40% कैंसर तक हम लोग बचा सकते हैं। एक और बहुत बड़ी स्टडी की थी जिसमें 55,000 लोगों को 10 साल तक फॉलो किया गया, तो उसमें यह पाया गया कि फिर अगर आप एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना वेट नहीं बढ़ने देते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल कम पीते हैं, डाइट अच्छी खाते हैं, तो आपके जो बाउल कैंसर, जो आंत का कैंसर है, पेट का, उसमें 23% तक का की कमी हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सी स्टडीज हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वेट ना बढ़ने देना, एंड अच्छी डाइट, अल्कोहल और स्मोकिंग, इसे हम कंट्रोल करें तो हमारा
हर तरह के कैंसर का रिस्क कम हो सकता है. रेडिएशन से भी कैंसर होता है जी. तो कुछ लोग जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल से के कांटेक्ट में आते हैं अपने प्रोफेशन में, उससे हो सकता है. या अगर आप बहुत ज्यादा धूप में बैठते हैं, तो हम लोग यहाँ यूके में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन सी साइड में जाकर दूसरे देशों में, गर्म देशों में बहुत ज्यादा स्किन को एक्सपोजर देना, तो उससे स्किन कैंसर हो सकता है. इन्फेक्शन कुछ होते हैं उनसे भी कैंसर हो जाता है. हेपेटाइटिस बी से, खासतौर पर हेपेटाइटिस बी या सी से लिवर का कैंसर हो सकता है. एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो बच्चेदानी के मुंह पर होता है लेडीज में, जिसे हम पेपिलोमा वायरस कहते हैं, एचपीवी. उससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, जो बच्चेदानी की मुंह का जो कैंसर होता है. कैंसर इस देश में तो नहीं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है. और ये कहा जाता है कि अगर हम इन्फेक्शन को बचा लें तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है. लेकिन यहाँ मैं अगेन ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आमतौर पर अधिकतर इन्फेक्शन जो रोजमर्रा के हमें इन्फेक्शन होते हैं उनका कैंसर से आमतौर पर कोई लेना देना नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि आपको कोल्ड या फ्लू हो गया तो कैंसर हो जाएगा, या खांसी जुकाम या गला खराब हो गया तो कैंसर हो जाएगा. इम्यून सिस्टम अगर आपका कमजोर है, जैसे कि एड्स में या एचआईवी के मरीजों में होता है, तो हो सकता है आपको कैंसर बढ़ जाए. और कुछ कैंसर जेनेटिक होते हैं, तो वो फैमिलीज में होते हैं कि अगर आपकी फैमिली में है तो हो सकता है कि आगे आने वाली जनरेशन को या आपके भाई बहनों को भी हो. तो अगर इस तरह के कोई कैंसर पाए जाते हैं तो आपकी फैमिली के और लोगों को भी चेक किया जाता है. तो ये आमतौर पर कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ये खाया था तो मुझको ये हो गया, या मैं ये ना खाऊं तो मुझे ये नहीं होगा. ऐसा नहीं है. ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, आपके जीन्स, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस, आप कितने फिट हैं, आपकी डाइट कैसी है, उसके ऊपर होता है. ठीक है. और अब क्योंकि हमारे पास आखिरी चार मिनट जो है, इन आखिरी चार मिनटों में, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कमोबेश जो है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का यहाँ जिक्र हो ही चुका है, लेकिन फाइनल जो राउंड ऑफ हम करेंगे तो वो किस चीज के साथ राउंड ऑफ करेंगे? तो जो अंत में मैं दो तीन बातें दोबारा दोहराना चाहूंगा. एक तो ये कि कैंसर एक बीमारी नहीं है. तो हम जब कैंसर की बात करें तो आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो, आप बताएं कि ये कैंसर, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैंसर है तो शरीर के किस हिस्से का कैंसर है, वो किस तरह से बिहेव करता है. हो सकता है वो ऐसा कैंसर हो जो बहुत ज्यादा ना फैलता हो, आपको ज्यादा चिंता करने की उसके लिए जरूरत नहीं है, उसका अच्छा इलाज है. कुछ कैंसर ऐसे हैं कि उनका इलाज नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस कैंसर की बात कर रहे हैं. दूसरा ये है कि एक बार हो गया तो आप तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे या उसका इलाज कराएंगे, तो फिर तो वो दूसरों के हाथ में है कि उसका अब क्या हो सकता है. आज अगर हमें यह है कि कैंसर से डरना चाहिए और कैसे हमें कैंसर ना हो, तो वही बातें जो घूम फिर कर बार बार आती हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपना वजन ना बढ़ने दें, आप एक्सरसाइज की आदत बनाएं. आमतौर पर कहा जाता है कि आधे घंटे की एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 5 दिन, 30 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज अ वीक इफ नॉट मोर, तो इतनी एक्सरसाइज तो हमें करनी चाहिए. अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा घी तेल वाला खाना ना खाएं. मसाले की इतनी बात नहीं होती है, मसाले से हो सकता है आपका पेट खराब हो, आपको हजम ना हो, आपका हजमा खराब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसमें मसाला डालते हैं तो उससे कोई कैंसर का ज्यादा रिस्क है. जी, तो डाइट हो गई, एक्सरसाइज है, हेल्दी आप फ्रूट और वेजिटेबल्स के ऊपर ध्यान दें, आप उसको जरूर खाएं. और उसमें मैंने पहले कई बार कहा है, जो डायबिटिक लोग हैं वो फ्रूट के ऊपर जरा थोड़ा कम वजन डालें, क्योंकि अगर मीठा बहुत है तो वो आपकी डायबिटीज के लिए नुकसानदेह हो सकता है. स्मोकिंग सबसे बड़ा है, जिसके बारे में कितना भी कहा जाए तो वो कम है. तो वो रिस्क ना सिर्फ आपको होता है, बल्कि जैसे मैंने कई बार कहा, पैसिव स्मोकिंग में जो आपके सामने है जिसके ऊपर आप धुआं डाल रहे हैं, तो उनको भी ये रिस्क उतना हो सकता है डिजीज का. तो ये चीजें हैं जिसे आपको ध्यान देना चाहिए. और इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी ही कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट. एंड आई एम श्योर कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब मिल गए होंगे यहाँ पर. मगर साथ ही अगले हफ्ते हम कौन से विषय पर बात करने जा रहे हैं? अगले हफ्ते अंबर जी कैंसर की ही बात चल रही थी जी. तो हम लोग क्यों ना जो कॉमन कैंसर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं. तो अगले हफ्ते
ब्रेस्ट कैंसर से शुरू करते हैं और वक्त अगर होगा तो फिर लंग कैंसर की बात भी करेंगे. ठीक है. और आने वाले दिनों में, क्योंकि एक विषय और है हमारे सामने, ये है किडनी डिजीज का. जी, तो आने वाले दिनों में फिर एक बार कैंसर से निपट जाए तो फिर हम किडनी या चाहे तो भी बात कर सकते कैंसर हैं? को ब्रेक दे सकते हैं और अगले हफ्ते किडनी की बात कर सकते हैं. देखते हैं अगले हफ्ते का फ्लो किस तरह का रहता है उस हिसाब से, क्योंकि किडनी भी एक ऐसी चीज है कि जिससे आए दिन मुझे लगता है कि रोजाना मैं कम से कम एक दो लोगों से तो ऐसे मिल ही लेती हूँ जिनकी तबीयत के बारे में पूछा जाए तो उनकी तबीयत पिछले कुछ महीनों से खराब चली आ रही है. अभी तक जो है खराब चल रही है और जवाब ये मिलता है कि किडनी की समस्या है. जी, तो फिर ऐसा करते हैं अगले हफ्ते किडनी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो जो आपको सही लगे अगले हफ्ते इन दोनों में से एक विषय को ही किडनी फेलियर के बारे में बात करते हैं. ठीक है, किडनी कैसे फेल होती है, लोग कहते हैं किडनी फेल हो गई तो उसका क्या मतलब होता है. और एक ये इसलिए भी मुझे जरूरी लगा क्योंकि एक नाम नहीं लूंगी लेकिन जान पहचान की एक मोहतरमा है, थोड़ी बड़ी उम्र है उनकी. जी, तो कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है. जी, जैसा होता है अक्सर. हाँ जी, तो हम तो घबरा गए. तो चले, खैर कोई बात नहीं. फिर कुछ हफ्ते बाद उनसे दोबारा मुलाकात हुई तो एकदम फाइन लग रही थी, कहती है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब डॉक्टर ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. जी, तो हमने कहा कि ये इतनी बड़ी वो कैसे वो हो सकती है. तो ये जो चीज है, मतलब एक धारणा इंसान शायद खुद अपने मन में बिठा लेता है या जो भी है, तो इसके बारे में बात करते हैं. तो हम आपसे बात करना चाहेंगे. जी, जी, और भी कुछ सवाल पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मैं पूछती रहती हूँ लिसनर्स से कि अगर कोई और भी सब्जेक्ट है तो उनके भी सुझाव आते रहते हैं. तो इसी के चलते अगले कुछ हफ्तों के लिए तो मुझे लगता है हमारे सामने एक लिस्ट और तैयार हो गई हुई है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. और अगर आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जो आप चाहते हैं कि हम उस विषय के बारे में बात करें, डॉक्टर साहब को आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं health@sabrasradio.com. और अगर मेरे जरिए करना है तो फिर it has to be amber@sabrasradio.com. लेकिन स्टूडियो मैसेजेस ओनली ड्यूरिंग द शो. Sabras Radio.